हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है और म्यूचुअल फंड में कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है अगर हम 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल के अंदर आखिर हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे की इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए उस म्यूचुअल फंड में, कि आखिर जब भी हम विड्रॉल करेंगे तो हमारे ऊपर कितना टैक्स लगेगा और आखिर विड्रॉल करते समय कितनी क्या क्या चीज़ की कटौती होती है। तो चलिए जान लेते हैं। मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जो म्यूचुअल फंड मैं आपको बताने वाला हूं वो अब तक का सबसे हाई रिटर्न देने वाला है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, SBI का ये म्यूचुअल फंड है, SBI कंट्रोल फंड ग्रोथ, और इसे रेगुलर प्लान बोलते हैं, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसी का ही एक डायरेक्ट प्लान आता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको रेगुलर प्लान में मैं आपको बता देता हूं, ताकि उसी के ही साथ में आपको डायरेक्ट प्लान की भी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये देख पा रहे हैं, SBI कंट्रोल फंड है और ग्रोथ यानी कि रेगुलर प्लान है। इसकी जो NAV है वो है 400.55 पैसे। कहने का मतलब है, जो इसकी NAV है वो यहां पर अपडेट हुई है 20 सितंबर को, यहां पर ये अपडेट हुई है। NAV की फुल फॉर्म है नेट एसेस वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर ये तो हो गई कि ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है, ये रेगुलर प्लान है। अब इसमें आखिर हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान देना चाहिए, चलिए मैं यहां पर नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करता हूं। अब इसकी जो जन्म कुंडली है वो यहां से होगी। कहने का मतलब, आप यहां पर देख पा रहे हैं, SBI कंट्रोल फंड और ग्रोथ जो कि आपका हाई, यानी कि आपको यहां पर देखने को मिल गया है, यानी कि ये एकदम हाई आपको रिटर्न देगा, ठीक है। और आप यहां पर NAV की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है, नेट एसेस वैल्यू है, और आप यहां पर देख पा रहे हैं 20 सितंबर को यहां पर इसकी जो NAV है वो अपडेट हुई है, ठीक है। और आप यहां पर ये भी देख पा रहे हैं कि जो इसकी NAV है वो 400.55 है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसकी NAV को जरूर ध्यान देना चाहिए कि आखिर उसकी NAV कितनी हाई है। तो जो इसकी NAV है वो है 400.55, ठीक है। अब कहने का मतलब है, एक यूनिट, ठीक है। अब यूनिट क्या होती है, यूनिट वो होती है जब भी ये म्यूचुअल फंड यहाँ पर लॉन्च हुआ होगा तो उसके अंदर कुछ पैसे को ऐड किया गया होगा। पैसा ऐड होते ही उसके अंदर यूनिट बना दी गई होंगी, ठीक है। अब उस यूनिट को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना तो घटाया जा सकता है, बस उनकी जो वैल्यू है यानी कि जो प्राइस है वो सिर्फ ऊपर नीचे होते रहेंगे। कहने का मतलब है, 10 रुपए के हिसाब से NAV बनती है। आज की डेट में आप देख सकते हैं जो कि 400.55 है। तो कहने का मतलब है, NAV कितनी हाई हो गई है। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर विस्तार से इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। यहां पर आप रिटर्न देख सकते हैं, जो इसके रिटर्न है वो इन्होंने कितने दिए हैं, यानी कि 1 साल में इन्होंने 42.84 रुपए का इन्होंने रिटर्न दिया है, ठीक है। यानी कि 1 लाख पर अगर आज की ही डेट में आपने 2023 में 1 लाख रुपए यहां पर निवेश किए होते तो आपको 42,000 यहां पर लगभग 800 रुपए मिल जाते आज की डेट में, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आप समझ ही सकते हैं कितना आपको प्रॉफिट हो गया। 3 साल में इन्होंने 27 का यहां पर रिटर्न दिया है और 5 साल में इन्होंने 31 का रिटर्न दिया है। इसके बाद में आ जाता है फंड साइज, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 39,432.5 करोड़ का इसमें जो फंड है वो साइज है, यानी कि काफी बड़ा साइज है, ठीक है। कहने का मतलब, इसमें जो अमाउंट है इस म्यूचुअल फंड की वो बहुत बड़ी है, ठीक है। आ जाता है नंबर 4 पे एक्सपेंसेस रेट, इसका पूरा खेल है। यहां पर आपको ये समझ लेना है कि यहां पर क्या होता है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं 1.51 है प्रतिशत, ठीक है। अब ये यहां पर महंगा है क्योंकि ये रेगुलर प्लान है। रेगुलर प्लान में क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, अगर आप बैंक के द्वारा करवाते हैं, जो कि SBI का म्यूचुअल फंड है ये, तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कराते हैं बैंक जाकर, ठीक है, या फिर आप बैंक जाएंगे और आप बैंक मैनेजर से बोलेंगे कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो वो आपको रेगुलर ही प्लान दिखाएगा,
वो जल्दी आपको डायरेक्ट प्लान नहीं दिखाएगा, क्योंकि डायरेक्ट में उन्हें कमीशन नहीं मिलेगी और रेगुलर में उन्हें कमीशन मिलेगी। रेगुलर में अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहने का मतलब है आपने वहां पर एक एजेंट को बाय कर लिया है। अब एजेंट का काम क्या होता है कि आपके पैसे को वो लेगा और वो म्यूचुअल फंड में लगा देगा, और जिससे वो यूनिट आएंगी वो आपको वहां पर दे देगा। जो कि एजेंट का काम है वो समझो यहाँ पर खत्म हो गया है। हालांकि ठीक है, पर एजेंट के और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एजेंट को बताना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम एजेंट को बाय करते हैं। ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि एजेंट जल्दी बताते ही नहीं है। म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होता है, बैंक मैनेजर, मैंने भी उससे पूछा था पर उसने ये सब कुछ नहीं बताया था मुझे। ठीक है, तो ये चीज इसका हम बाय करते हैं रेगुलर में, तो एजेंट का काम होता है बताना हमें। ठीक है, पर एजेंट क्या करता है कि हमसे जो पैसा लेगा वो म्यूचुअल फंड में लगा देगा, उससे जो यूनिट आएंगी वो आपको यहाँ पर दे देगा। ठीक है, अब जिस म्यूचुअल फंड में एजेंट ने पैसा लगाया है वो कंपनी क्या करेगी, उस एजेंट को हर साल पैसा देगी जितने समय तक आपका पैसा रहेगा उस म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो ये होता है और उसी हिसाब से यहाँ पर जो एक्सपेंसिव जो रेट है वो हाई होता है। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड को आप डायरेक्ट में देखेंगे तो उसकी जो एनएवी है वो बहुत कम होगी, यानी कि एनएवी नहीं, इसकी एक्सपेंसिव जो रेट है वो बहुत कम होगा डायरेक्ट में। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये है एक्सपेंसिव रेट यानी कि 0.56। तो कहने का मतलब है 95 पैसा जो उसका रेगुलर में है वो उसकी हाई है एक्सपेंसिव रेट, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसों को निवेश कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छी खासी जानकारी है म्यूचुअल फंड के बारे में, तब आप क्या करें कि आप डायरेक्ट में पैसे को इन्वेस्ट करें। अगर आपको जानकारी नहीं है तब आप रेगुलर में ही इन्वेस्ट करें और एक आध साल के बाद आप उसे स्विच करा सकते हैं। कहने का मतलब है डायरेक्ट में आप उसे स्विच करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद में आपको जानकारी हो ही जाएगी। ठीक है, हालांकि इतनी बड़ी इसमें कोई बात नहीं होती है। उसके बाद में आ जाता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड वो होता है जैसे कि अगर हम एक साल से पहले पहले पैसा निकाल लेते हैं तो जो हम विड्रॉल करते हैं तो उस समय हमारे जो एक्स्ट्रा लोड होता है वो 1% लगता है। जैसे कि ये आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है एग्जिट लोड ऑफ 1%। ठीक है, तो ये होता है। इसी के साथ में आप उसमें जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितनी रकम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, यानी कि लमसम, यानी कि एक टाइम में, यानी कि एक ही बार में अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो 5,000 से कम इसमें जमा नहीं कर सकते हैं, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5,000 होना चाहिए कम में कम। इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है इन्वेस्ट, यानी कि SIP इन्वेस्टमेंट। आप इसमें 500 रुपये से इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं, SIP का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको, 6 चीज़ें थी, ये तो आपको ध्यान देना ही चाहिए। इसी के साथ में आपको 7वीं चीज़, चलिए मैं आपको और भी बता देता हूँ। आपको यहाँ पर 7वीं चीज़ ये देखना चाहिए जो म्यूचुअल फंड है वो एक्चुअली में है कितना पुराना। जैसे कि ये देख पा रहे हैं ये म्यूचुअल फंड है, ये लॉन्च हुआ था यानी कि 9 मई और 2005 में ये लॉन्च हुआ था। इसी के साथ में इसकी जो रैंक मीटर है वो है, यहाँ पर देख सकते हैं, वेरी हाई है, और इसमें रिक्स है वो यानी कि लो है, और रिटर्न है वो इसमें वेरी हाई है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक तो मेरा यहाँ पर जो वो माउस है वो यहाँ पर ढंग से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसी के साथ में आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि आखिर इसने कितना कितना यहां पर रिटर्न दिया है। जैसे कि 3 मंथ में, 1 ईयर में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, यानी कि 1 ईयर में इन्होंने दिया है 44.32 और 5 ईयर में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आप अगर कुछ जानकारी है तब आपको डायरेक्ट में जाना चाहिए। अब डायरेक्ट में और इसी के साथ में रेगुलर में क्या अंतर होता है वो चलिए मैं आपको सीधे सीधे समझा देता हूँ। डायरेक्ट में ये होता है अगर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बीच में कोई एजेंट बाय करना नहीं होता है। जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी म्यूचुअल फंड की जो NAV है वो आप अपने आप खरीद रहे हैं। ठीक है, और आप रेगुलर में थ्रू आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो वो आप वहां पर एक एजेंट को बाय कर रहे हैं। अब क्योंकि आप वहां पर एजेंट को बाय कर रहे हैं तो कहने का मतलब है वो एजेंट भी कुछ लेगा, तो जो आपका एक्सपेंसिव जो रेट है ये आपका यहाँ पर हाई होगा, और ये जितना लो हो उतना ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो
तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको जानकारी है तो आप डायरेक्ट में करें, और आपको जानकारी नहीं है तो आप रेगुलर में कर लें एक आध साल, ठीक है। उसके बाद में आपको जानकारी हो जाएगी, उसके बाद में आप डायरेक्ट में कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ही यहाँ पर रेगुलर में किया है, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर रेगुलर में किया, अब उसके बाद मुझे जानकारी हो गई और मेरा एक साल कंप्लीट हो गया। उसके बाद में उस पैसे को मैं अब डायरेक्ट में करूंगा। और इसी के साथ में आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान देना चाहिए, चलिए मैं और आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वेबसाइटों पर भी कुछ जानकारी गलत दे देते हैं लोग, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये गलत क्या है, जैसे कि शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसे को निकालते हैं तो कहने का मतलब है आपको 15% टैक्स देना होगा और आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी, ठीक है। ये था कि अगस्त से पहले था ये रूल, ठीक है, पर 2024 में जो कुछ यहाँ पर नई बदलाव हुए हैं, ठीक है, पहले हम अगस्त से पहले का समझ लेते हैं, जैसे कि यह है। और लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर देना पड़ता है जो कि टैक्स 10%, और आपको 1,00,000 की यहाँ पर छूट होती है। अगर अब आपको ये समझ लेना चाहिए, एक साल में पहले पैसा निकालते हैं, एक साल से पहले वो आ जाता है शॉर्ट टर्म में, और एक साल के बाद पैसा निकालते हैं वो आता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आपको समझ में आ गया किसे कहते हैं। उसके बाद में आपको यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है कि 10% देना होगा लॉन्ग टर्म पर यह इंफॉर्मेशन अब यहां पर गलत हो चुकी है, ठीक है। अब यह गलत किस तरीके से हो चुकी है, क्योंकि एक न्यू अपडेट आ चुका है, ठीक है। अपडेट क्या आ चुका है वो चलिए हम यहां पर जान लेते हैं। अपडेट यह है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ये, ठीक है, ये अपडेट कब हुआ है, अगस्त से, ठीक है, ये अगस्त से अपडेट हुआ है। और इन्होंने ये कहा है कि जो पहले टैक्स था वो यहां पर था शॉर्ट टर्म पे आपका था कि 15% देना पड़ता था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको यहां पर अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप अपने पैसे को रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो आपको 12.5 देना होगा। इसी के साथ में आपको जो छूट होगी, यानी कि 1,25,000 की छूट हो जाएगी। अब इसे किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हमने 5,00,000 रुपए लगाया और एक साल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, और उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ हमारा 2.5 लाख का। कहने का मतलब है 5,00,000 हमने लगाए थे, 2.5 लाख हमारा प्रॉफिट हुआ, तो हो गया 7.5 लाख। 7.5 लाख में से आप 1,25,000 को कम कर दीजिएगा, अब आपका पैसा बचा वहां पर 1,25,000, अगर आप कम कर देंगे तो आपका बचा 6,25,000 रुपए। अब आपने 5,00,000 रुपए उसमें लगाए थे वो भी निकाल दो, तो आपका 1,25,000 बचा, ठीक है। उसी पर ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। और इसी के साथ में आपको यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है, अगर आप एक साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 20% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब है आपको छूट भी नहीं मिलेगी और आपको 20% टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं तो इन चीजों को आप जरूर देख लें कि आखिर कितना कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब भी आप विड्रॉल करते हैं पैसे को तो आपको ये टैक्स पे करना पड़ता है, इसी के साथ में आपको एक्सपेंसेस जो चार्ज है वो आपको यहां पर देना पड़ता है, ये वाला, ठीक है। इसी के साथ में एक्स्ट्रा लोड, अगर आपने एक साल से पहले पैसा निकालना है तब आपको एक्स्ट्रा लोड भी देना पड़ता है, और आप एक साल के बाद निकालना है तो आपको यहां पर ये एक्स्ट्रा लोड नहीं देना पड़ता है, ठीक है, एक साल के बाद निकालना है तब, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको टैक्स और जो एक्सपेंसिव रेट है वो उसके हिसाब से ये तो आपका कटेगा ही कटेगा जब भी आप विड्रॉल करेंगे, इसके अलावा कोई भी टैक्स और कुछ भी नहीं कटता है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।